सियासतदानों के बारे में हमें नहीं पता। जाहिर है कितों पता होगा, प्लेट तो ध्यान हटेगा तेरे पर। हां शिगी जी अब कर लो, मांग पता खेड़िए दोनों। बाजी नाक के नाक दिखा के मैं कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज देखिए अल मशहूर सुसरा। नाजरीन यूट्यूब के दौर में हो गया है हर बंदा जहीन, और मिल रहे हैं आपस में आसफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन। जी हाँ, उनकी हो रही है मुलाकातें और बड़ी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं आपस में, जहाँ इत्तेहाद होने जा रहा है उनके। ये समझ से बाहर है कि जहांगीर तरीन साहब ने तो पीटीआई के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मेहनत की है, लेकिन आज आसफ अली जरदारी के साथ उनको मुलाकात करने और इत्तेफाक करने और इत्तेहाद करने का क्या पड़ेगी भैया? क्या हो गया है जहांगीर तरीन साहब, आसफ अली जरदारी के साथ क्यों मिल रहे हैं? मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। क्या कहती हैं ये आसफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन आपस में मिल रहे हैं? जहांगीर तरीन कौन है और आसिफ जरदारी कौन है? जहांगीर तरीन मेरे चाचे का पुत्र है, आसफ अली जरदारी जड़ा है ना मेरा कजन है। आसिफ अली जरदारी का नाम सुना है? सुना है, कहाँ सुना है? टीवी पे। तो बेटा आपने भी पढ़ा है? पता नहीं, नहीं याद। मुलाकातें हो रही हैं, क्या कहते हैं, क्यों हो रहा है इत्तेफाक इनमें? इत्तेफाक बस हो रहे हैं दोनों ही। Oh shit! No! कह दो कि ये झूठ है। जो है ऐसा कर रहे हैं ये जहांगीर तरीन साहब, पहले आसफ अली जरदारी के खिलाफ थे, आसफ अली जरदारी जहांगीर तरीन के खिलाफ था, और आज ये इत्तेहाद और इत्तेफाक इनमें हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखें, ये हमेशा से चलता आया है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। तो बस अब चलें और इनको इसको एंजॉय करें। क्या हाल है? ठीक है जनाब। लालो कदरे अभी मोटे ना थका लेना। आसफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन में इत्तेफाक होने जा रहा है, इत्तेहाद होने जा रहा है, क्यों हो रहा है? बस चोर चोरों का इत्तेफाक होने, चोर चोर डाकू हैं, वो भी चोर है, वो भी चोर है। बिलावल भुट्टो के अब्बू हैं, बिलावल भुट्टो को जानती हैं? हाँ जी। कैसे जानती हैं? उनकी आजकल मीम्स बहुत चल रही हैं। कोई पैगाम देंगी इन दोनों को? उनको मैं पैगाम दूंगी, जो उनकी आजकल मीम चल रही है ना कि मेरे अकाउंट में किसी ने ऐसे ही पैसे जमा करा दिए, तो वो हमें ट्रांसफर कर दें, कोई मसला नहीं है। अपना ज़बान पे काबू करें, मैं और क्या कह सकता हूँ। ताश है जी अब कर लो, मांग पता खेड़िए दोनों। क्या मसला है? देखे जहांगीर तरीन जो है और सदारी है, पीपल पार्टी, दोनों ये अलग चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सियासत है वो एक, हमारे बुजुर्ग कहते थे दिन को सियासत रात को इकट्ठा खाना खाते हैं। सियासतदानों में बड़ी गर्मी आ गई है, वो हमेशा से और हमेशा ही रहेगी। जहांगीर तरीन और आसफ अली जरदारी इकट्ठे हो रहे हैं, बस ऐसा ही है, ये दुनिया है, चढ़ते चुरत को सलाम है। बिल्कुल सही बात। क्या आपस में क्यों एक हो रहे हैं, तो वजह? बस सियासी मफाद। वो बहुत बड़ा चोर है, वो बनाता बड़ा मुखलस इमरान खान का, अपने चक्रों में चोरी को चक्रों में बनाता, हम समझ रहे थे कितना अच्छा आदमी है, लेकिन इमरान खान गुट वो नहीं छोड़ेगा इन चोरों को। बिल्कुल प्यो सिकर दोपहर। और आज आसफ अली जरदारी के साथ मिल रहे हैं क्यों? मुझे नहीं पता, ये तो वही जानते हैं, हम क्या बता सकते हैं। कमेटी भाई जे तुसी नहीं। हसनैन भाई क्या कहते हैं, आसफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, अब इत्तेफाक हो रहा है, इत्तेहाद हो रहा है उनके अंदर, पुराने चोर इकट्ठे हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी नहीं है। चलो ए बहुत अच्छी गल जे, ए नवा ही नाम आया जे नाज़रीन, कुछ भी नहीं, अब्दुल कुछ नहीं के चौधरी कुछ नहीं, चौधरी कुछ नहीं, चौधरी कुछ। आगे पुत्र तो नाते होएगा एमे शेमे। मुझे ये बताएं ये दोनों आपस में अब क्यों मिल रहे हैं, पहले तो बड़े खिलाफ थे। वो मैंने बताया ना, चोर और कुत्ती मिल रहे हैं। ये सब ऐसे ही हैं, ये सारे ऐसे सब ऐसे ही हैं। तो कोई पैगाम इनके लिए नहीं? कोई पैगाम नहीं है बस। किसे दे चुकी जे? नहीं, सारे बच्चे बड़े कमाल ने, जनरल नहीं रही। नहीं, ये भी अपनी बच्ची है जी। चलो माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा आपका? शहजादी। शहजादी तेनू ये कह कह के ना पक्या कर रहे ने। तो आज आसफ अली जरदारी के साथ मिल रहा है, चंगी गल है, मिल जावे ते। अच्छा, क्यों? बड़ी चंगी गल है, वो भी चोर, वो भी चोर। कितना का खर्चा करा दिया मेरे भाई का? भाई तो नहीं आए, बच्चे आए हैं। बच्चे आए हैं जी। बच्चे नु क्या होएगा, अब्बू दे परस चो पैसे कटो निकला। नहीं ऐसे नहीं करते, अब्बू कंजूस है। हाथ में
ला रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं गरीबों के साथ। देखा है क्या सितम करा मैं, ये होना नहीं चाहिए। बदुआ लग रही है उसको, बच्चा बच्चा गालियां दे रही है। जहांगीर तरीन भी खिलाफ था, आसफ अली जरदारी भी। सर जी असल बात ये है कि इनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मजा मजा दिया भैन ये। मैंने कहा इन सियासतदानों के बारे में हमें नहीं पता। जाहिर है कितों पता होगा, प्लेट तो ध्यान हटेगा तेरे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky. माशाल्लाह की गल है, जवानी च गंजे होंदे जा रहे हो। माशाल्लाह मेहनत का नतीजा है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ? ਮਸਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਸੁੱਟੀ ਜਾਈ ਕਰਕੇ। ਅਬ ਇਤਫਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਮੇਂ? हमें बेसिकली जो है ना ये सियासी मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें पता ही नहीं है जहांगीर तरीन कौन है, असफ जरदारी कौन है, समझ रहे हो? सुनना ही है बस, चोर चोर ही सुनते हैं, चोर हैं चोर हैं। मैं भी यही कहूँगी कि हमने सिर्फ सुना है जो हुकूमत में आएगा वो चोर होगा, डकैत होगा, उसको गालियाँ पड़ेंगी जस्ट। अच्छा आप इनका इंटरव्यू? हाँ इनका भी लेंगे इंटरव्यू। मैं एक्टर हूँ। ये बताएं क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्या टैलेंट है जो आप अपने शोहर को बताती हैं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, वो टैलेंट जरा मैं देखना चाहता हूँ। शोहर को मनाने का, मनाने का मतलब ये रूठे में तो कैसे मनाएं? नहीं रूठने वाला मनाना नहीं, किसी बात को मनाना हो तो वो। ये बढ़िया था। क्या बात है, इतने हसीन लोगों के बीच फिर रहे हो, की महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहा हूं। मोहम्मद नुमान क्या कहते हो, आसफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन एक हो रहे हैं? एक हो रहे हैं, इत्तेहाद हो रहा है इनमें। अच्छी बात, एक हो रहे हो तो अच्छा जी। क्यों अच्छी बात है? अच्छी बात, पहले तो एक दूसरे के खिलाफ थे ये, बस वो कोई फायदा नजर आ रहा होगा तो इसलिए वो एक साथ हो रहे हैं। क्या कहती हैं आप, आसफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन आपस में क्यों इत्तेहाद कर रहे हैं? इतने न्यूज में हम गहराई में जाते नहीं है, सियासत में नहीं है हम लोग, सिर्फ बदकिस्मती बैड लक। अब इकट्ठे हो रहे हैं ये, पता नहीं कोई वजह होगी इनकी भी। क्या वजह हो सकती है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मिनट में कुछ होता है, मिनट में कुछ होता है, ये पाकिस्तान ऐसा है। पहले ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, वो पीटीआई के थे, वो पीपल्स पार्टी के थे, आज ये दोनों इकट्ठे मिल रहे हैं, क्या वजह है? सियासत में माँ और बाप नहीं होते। हाय हाय वेरी गुड बात, ये इनका मिलना ही बेहतरी होती है। मजा आया बाजी, नाक के नाक तिखा के मैं कर लिया। वो आपस में मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? मैं न्यूज नहीं देखती, मैं बहुत कम, मैं बहुत सलाम दुआ लेनी होगी। जहांगीर तरीन और आसफ अली जरदारी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे पता ही नहीं वो कौन है जहांगीर, मैं जानते नहीं। एक इत्थे आफशा चलांदा जे ते एक गेट खोलदा जे। को वजीर आजम बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले ये सिखाऊंगी अपनी आवाम को कि देखो किसी को गलत मत समझो, पहले इखलाक सामने रखो, बकाया चीजें बाद में साइड कर दो। इखलाक मामू का नाम है आपका, तो कोई पैगाम देना इनको, सुधर जाए सब। ले नाजरीन मैंने लोगों से पूछ लिया कि आसफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं, इनमें भी इत्तेफाक आ गया है। बहरहाल इसी तरह एंजॉय करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और हंसी वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कभी किसी की दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें, इज्जत दें और इज्जत लें। मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है।